भैया ध्यान रखना, एक बात कहना चाहूंगी कि अगर पुत्र घर में हो तो चार ना हो, एक पुत्र हो लेकिन वो पुत्र समझदार हो। मैं आज की दुनिया में देखती हूं कि चार पुत्र हैं लेकिन चारों पुत्रों के विचार अलग अलग हैं। पहले का रहन सहन, पहले का वातावरण और आज का वातावरण बिल्कुल विपरीत हो चुका है। पहले छोटा भैया बड़े भैया का सम्मान किया करता था। अगर कोई बड़ा बूढ़ा इंसान हमारे घर पर आ जाता था तो चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम किया करते थे, लेकिन आज क्या है, आज दंडवत प्रणाम नहीं है। अगर कोई बड़ा बूढ़ा आ गया तो भैया लोग क्या करते हैं, चरण भी नहीं छूते हैं, उनके घुटनों को छू लिया और सीने से लगा लिया, कहते हैं रुक जाओ थोड़ी दिन के बाद ये घुटने में ही तोड़ूंगा। और अगर कोई दोस्त मिल गो ना तो दोस्त से राम राम राधे राधे ना है, सीधो जाए के हाथ मिले ऐसो झटका दिए सारी जिंदगी की खटका मिट जाए। महाराज अगर पुत्र घर में हो तो एक हो लेकिन समझदार हो। चार पुत्रों की कोई जरूरत नहीं, जहां पर एक पुत्र समझदार होता है वहां चार पुत्रों की कोई जरूरत नहीं होती है। महाराज एक बड़े सुंदर राजा थे, उनके यहां पर चार पुत्र थे। तो चार पुत्रों में तीन पुत्र थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन छोटा वाला जो था वो तो सिर्फ खाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं करता था। खा खा करके ऐसा मोटा ताजा हुआ, और जब वो खाना खाने के लिए बैठता है, कहीं निमंत्रण कहीं से आता है तो वो खाने के लिए जाता है और पंक्ति में बैठ जाता है तो क्या कहता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो एक पंक्ति में पास में बैठा वो कहने लगा कि भैया तू सिर्फ यही कहता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, कभी खाते खाते पानी भी पी लिया कर, जब आधा पेट हो जाए तो पानी तो पी लिया कर। जवाब दिया कि भैया पानी कैसे पी ले, कभी बीच आता ही नहीं है, हमारा आधा पेट कभी भरता ही नहीं है। वो व्यक्ति जो पास में बैठा था सोचने लगा ये कितना और खाएगा। अब वो कहता जा रहा है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो वो व्यक्ति जो पास में बैठा वो कहने लगा भैया जे मत कहो कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तुम तो जे कहो कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। भैया आज पढ़ने लिखने में तो मन नहीं लगता है लेकिन खाने में खूब मन लगता। एक दिन पिता परेशान हो गए, सोचने लगे कि ये लड़का लगता है पढ़े लिखेगा नहीं, तो इसलिए वो एक कॉलेज की जा करके, और आज जैसे ही आगे को बढ़े कॉलेज को ढूंढने लगे कि कोई कॉलेज ऐसा मिले जिसमें ये लड़का पढ़ लिख जाए। तो एक कॉलेज मिला, टीचर ने कहा कि आप अपने लड़के को हमारे कॉलेज में कर दो। वो पिता जो थे लड़के को लेकर के कॉलेज में पहुंचे तो जो वहां पर टीचर थे वो सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बार बच्चों का उन्होंने इंटरव्यू लिया तो बच्चों से पूछा है कि बच्चों ये बताओ अपना देश आजाद कब हुआ था। बच्चों ने कहा जो पढ़े लिखे थे कहने लगे महाराज हमारा देश सन 1947 से लेकर के और सन 1950 तक पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका था। टीचर ने कहा ठीक है। आगे को बड़े उनके ही पास में पहुंचे, जवाब दिया लला तुम और तो कुछ बताए ना पियो, लेकिन इतना बताओ कि तुम्हारा जन्म कब बहुत। लड़का इधर उधर देखने लगो, लड़का ने जवाब दिया महाराज हमारा जन्म, बोले हाँ हमारा जन्म सन 1947 से लेके और सन 1950 तक पूर्ण रूप से हो चुका था। जो टीचर थे उन्होंने दो चार डंडे लगाए और कहने लगे हैं कि ये सुधरने वाला नहीं है, इसलिए भैया
अगर पुत्र घर में हो तो एक हो लेकिन समझदार हो। महाराज